नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पितृपक्ष के दिनों में माता लक्ष्मी की कृपा भी आसानी से मिल जाती है। जी हाँ, कुछ खास उपाय और नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की उपासना की जाए तो धन से जुड़ी हर समस्या खत्म हो सकती है। तो देखिए क्यों खास है पितृपक्ष में लक्ष्मी जी की उपासना। पितृपक्ष में करें माँ लक्ष्मी की आराधना। पूरी होगी धन प्राप्ति की मनोकामना। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक माँ लक्ष्मी की कृपा न हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा के बगैर न तो धन आता है और न ही वैभव। पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये न पता हो कि पितृपक्ष में कुछ खास उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा भी पाई जा सकती है। पितृपक्ष में खास उपाय यही है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जितनी प्रकार का एक पिता दादा परदादा नहीं आएंगे यहाँ पितृपक्ष महालय में जो श्राद्ध करते हैं 15 दिन, कहीं घर में करो यहाँ भी करो, सारे पितर आ जाएंगे यहाँ। जो हमसे द्वेष करने वाले पितर भी बात नहीं कहे मर गए हैं, उनका भी नाम से हम लोग उस दिन महालय में पिंड करते पितृ अपर पक्ष में। उन लोग वही आशीर्वाद देखो, रहने वक्त इतना उनसे द्वेष किए फिर भी उनका लड़का हमारा नाम से पिंडदान किया, वो संतुष्ट हो जाएंगे वो लोग। इसलिए द्वेष व्यक्ति को भी पिंडदान करेंगे, ये द्वेष से हटकर वो हम लोग को आशीर्वाद धन इत्यादि देंगे। न देव तोषणम वृथा, देवताओं को संतुष्ट कराना पितरों को संतुष्ट करना वृथा नहीं जाएगी, अवश्य उसका फल मिलेगा। धन की देवी होंगी प्रसन्न, संपन्न हो जाएगा जीवन। पितृपक्ष में करें धन प्राप्ति के महाप्रयोग। आज हम आपको वो दिव्य प्रयोग बताएंगे। ये उपाय जितने छोटे हैं उतने ही अचूक और कारगर भी। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और जीवन भर के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा के भागी बन जाइए। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में कैसे होती है माँ लक्ष्मी की आराधना। पितृपक्ष में महालक्ष्मी का आराधना केवल महालक्ष्मी का क्या, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों देने वाले पितृलोक है। आयंतुनः पितरः सौम्यासः गंभीरैः पतिभिः देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया वदन्तु अधिब्रवन्तु देवन्तस्मान् बुलाते हैं। उशन्तस्त्वा निधीमहि उशन्तः समधीमहि उशन्नुषत आवः पितॄन् हविषत्तवे, आप लोग को बुला रहा हूँ, इस हविष आप लोग को पाने के लिए हम दे रहा हूँ। इस श्रद्धा से उन लोगों को पुकारेंगे, पितृलोक आकर किस रूप से आकर आशीर्वाद देते कहना मुश्किल है। पितृपक्ष के बाद नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि में शक्ति पूजा के पूर्व पितृपक्ष में लक्ष्मी पूजा का प्रावधान है, ताकि शक्ति प्राप्ति के पूर्व आर्थिक रूप से मजबूती आ सके। पितृपक्ष में लक्ष्मी प्राप्ति के या लक्ष्मी संबंधी प्रयोग वही करेंगे जिन पर पितृपक्ष का बंधन नहीं है। जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं या पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं ऐसे लोग ये प्रयोग नहीं करेंगे। धन की देवी है माँ लक्ष्मी। विष्णु प्रिय देवी लक्ष्मी की कृपा से ही धन पाना संभव है। अन्न वस्त्र वैभव संपन्नता सब कुछ धन से ही संभव है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के इन खास दिनों में आप माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। अगर चाहते हैं जीवन में नियमित रूप से धन की प्राप्ति बनी रहे तो देखिए ये महा उपाय। पठ तो निखिल वेदान संग का नित्यमेव, वेद वेदांत जितने भी पढ़ो पटल निविकट बिना नारायण का जब कृपा नहीं होगी तब लक्ष्मी को प्रेरणा नहीं करेंगे। इसलिए मनो नमामि अच्युत वल्लभा, मेरा पति अच्युत है, विष्णु मनोनुकूल है। आपका मनोनुकूल नहीं लक्ष्मी, विष्णु का मनोनुकूल है। विष्णु का आराधना करेंगे लक्ष्मी
आपके घर में आइए आइए, 10 को एसपी बाहर खड़ा रहेंगे, इस तरह नारायण का पूजन करेंगे, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो। चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं, इसके बाद उनको इत्र समर्पित करें। वहीं इत्र नियमित रूप से प्रयोग करें, इससे धन प्राप्ति आसानी से होगी। ये बात सर्वमान्य है कि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, पर माँ लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य के संपूर्ण जीवन का भी कल्याण हो सकता है। सभी प्रकार की संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं माँ लक्ष्मी। इनकी उपासना से हर प्रकार की सुख समृद्धि मिल सकती है। एक श्रद्धा से तरण नामक राजा थे, ब्राह्मण थे, बहुत बड़ा गरीब थे। तरण नामक को दिन पिताजी का श्राद्ध आया, उस दिन कुछ नहीं था, ब्राह्मण आए भोजन को, पीला सरसों और गुड़, पीला सरसों का ऊर्जा से पिंड बनाया, गुड़ और पीला सरसों का रस से पायस बनाया, ब्राह्मण को खिलाया, ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो गए, आशीर्वाद दिए, रात में सोए, प्रातः काल लक्ष्मी नारायण गरुड़ारूढ़ होकर जा रहे थे, तो लक्ष्मी गरुड़ को उतार के लक्ष्मी स्वप्न में बोली, हे तरण उठो, तुम कहाँ बैठे हुए, प्रातः काल खनन करो, वहां अपार धन है। प्रातः काल पंचांग पूजन किया, ब्राह्मण को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, वहां खनन किया, अपार धन मिल गया। उसका बाद में सारे गांव में हल्ला होने लगा, ये श्राद्ध किया, इसको इतना बड़ा फल मिला, लाभ मिला। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। ऐसे में कई बार माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने के बावजूद इंसान को फिर से घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे इसका भी अचूक उपाय, साथ ही बताएंगे कारोबार में धन की प्राप्ति का अद्भुत प्रयोग। पितृपक्ष में ये खास प्रयोग करें और पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना भी करें, आपका उद्धार कर देंगे ये महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। पितृपक्ष में देवी लक्ष्मी की पूजा परम कल्याणकारी है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके कारोबार में उन्नति का वरदान आप चाहते हैं, तो गौर से देखिए, ये खास उपाय आपके लिए है। पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद पाने का महापर्व है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। ज्योतिषी कहते हैं कि श्रद्धा से किए गए श्राद्ध और पितरों का तर्पण करने से असीम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर ही रहते हैं। गृही समाचरेत, नया धान्य घर में आ गया, पितरों का निमित्त देवादा के निमित्त अलग अलग निकाल कर अभी भी देहात में करते हैं, श्राद्ध करना है, तब संपत्त ज्ञान संपत्त होगा, अनेक संपत्त प्राप्ति होगी, इसलिए श्राद्ध करना बहुत बड़ा महत्व है, उससे ईश्वर का प्राप्ति और सबका मिलन और हमारा बाल बच्चों के लिए बोध होगा, ये दादा परदादा वृद्धादा हम लोग भी वो लोग का सामने करेंगे, हम लोग मरने के बाद में भी हमारा बच्चे लोग हम लोग को श्राद्ध करेंगे, इससे शांति मिलती है। पुराणों और ग्रंथों में पितृपक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में पितृ को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, खास प्रयोगों और महा उपायों से देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के साथ पुरुष सूत और श्री सूत का जाप और पाठ कराएं, भगवान विष्णु के चरणों में पीला फूल पीला वस्त्र को दान करें, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं, कमल गट्टे का माला चढ़ाएं, आपके घर लक्ष्मी की वास होगी। चाहे सुख की कामना हो या धन वैभव की लालसा, माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी को खास प्रयोगों से प्रसन्न किया जा सकता है।
लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो श्राद्ध कर्म में शामिल नहीं है या फिर जिन पर श्राद्ध और तर्पण की बंदिश नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं धन की बचत का प्रयोग। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी हो। चावल की ढेरी पर भी लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनको चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दें। इससे धन की बचत होगी। ये प्रयोग बेहद कारगर है। पितृपक्ष के दिनों में इन्हें आजमाने से धन से जुड़ी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो अगर आप कारोबार में धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो गौर से देखिए, यह महाप्रयोग खास आपके लिए है। लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें दोनों तरफ उनके साथ हाथी हो। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को 1 गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने धन वाली जगह पर रख दें। रोज इस गुलाब को बदल दें। ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितर अपने संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पित्री उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। अपर पक्ष में जो भी श्राद्ध करेंगे पितरों को सद्गति मिलेगी। पितृ बहुत बड़ा दक्षिण में चंद्र ले जाएंगे, सूर्य ले जाएंगे, जो जो पितर किस तरह है उन लोग को उस रूप से पितर लोग देंगे। और वहाँ अपर पक्ष में तीर्थ में करोगे ठीक है, कम से कम घर में श्राद्ध करना। किस घर में श्राद्ध नहीं हो रहा है, किस घर में शंकर ध्वनि नहीं है, किस घर में शालिग्राम पूजन नहीं है, घंटा नाद नहीं है, तत्र पद्मा न तिष्ठति, वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। जहां विश्वास होता है वहीं आस्था होती है। तो देर ना कीजिए, पितृपक्ष के इन दिनों में आजमा लीजिए ये महाप्रयोग। क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा मिल गई तो आपके जीवन में सुख संपन्नता और खुशियों की चमक हर ओर बिखर जाएगी। तो हम आपको पितृपक्ष में लक्ष्मी उपासना की विधि और महत्व बता रहे हैं। पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी की उपासना से नौकरी में तरक्की और उन्नति का भी वरदान मिल सकता है। देखिए कैसे। धन की देवी है माँ लक्ष्मी। वैभव की कारक है महालक्ष्मी। धन है तो जीवन में है खुशियां। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि कभी धन की कमी न आने पाए। जीवन में खुशियां तभी हैं जब धन वैभव की कमी न हो, परिवार में सुख शांति हो, और ये तभी संभव है जब माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो। माँ की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। धन तो तभी मिलता है जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ सरल उपायों से जीवन भर पाई जा सकती है माँ लक्ष्मी की कृपा। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा हमेशा के लिए वैभवशाली बना सकते हैं। पितृ श्राद्ध घर में अपर पक्ष जो महालया जो है, अपना अपना पितरों का तिथि जो है, दादा का तिथि, पिता का तिथि, माता का तिथि, अवश्य घर में ही पार्वण ब्राह्मणों को बैठा कर भोजन करा कर दान करके ये सब करना बड़ा महत्व होता है। उससे संपत्ति वृद्धि होती है, घर में शांति होती है। नहीं तो वृथा मम परिश्रम, पितृ लोग बोलते मेरा परिश्रम वृथा है। इसलिए पितृ कांक्षंती पितर पुत्रान, पुत्र कुछ दे कुछ देंगे करके वो आशा करते रहते हैं। उनके नाम से श्रद्धा से तर्पणादि, श्राद्ध, पिंडदान, पंचबलि इत्यादि देना, संतुष्ट हो जाते पितर। अगर आप नौकरी में तरक्की और धन की बढ़ोतरी चाहते हैं तो देखिए ये महाप्रयोग।
गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को अष्टगंध चरणों में अर्पित करें। नित्य प्रातः स्नान के बाद उसी अष्टगंध का तिलक लगाएं। इससे आपको नौकरी में तरक्की और धन की बढ़ोतरी का वरदान मिलेगा। तो अब आपकी जैसी कामना हो, धन से जुड़ी आपकी जो भी समस्या हो, उसे दूर करने के लिए कीजिए ये खास उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। चलेंगे अध्यात्म की एक और यात्रा पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।